दोस्तों, वेलकम माय चैनल अर्चना इंडियन ब्रांड। कैसे हो आप सब? आयुष भी बहुत अच्छे हो गए। और मैं आज एक आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो आपके पिंपल हो जाते हैं और फेस बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और चेहरे पे बिल्कुल भी रंगत नहीं रहती, तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए इस पैक को आप लगाओगे हफ्ते में 2 बार तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको इसका फर्क समझ में आएगा फेस पे, और फेस पे इतना अच्छा ग्लो आएगा और फेस बहुत अच्छा लगने लगेगा, चमकदार हो जाएगा। तो आपको लगातार इसको करना है, पर हफ्ते में 2 बार करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। उससे पहले जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास बेल आइकन है वो दबा लीजिए ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर मिल जाए। और लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि इन सब चीज़ों का पता उन लोगों को भी लग सके। अगर किसी को पिंपल से परेशान है तो ये सब चीज़ें लगा के उससे छुटकारा मिल जाए, या काला फेस पड़ गया है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए भी तो बहुत ही अच्छा है ये। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सो थैंक यू। अभी आपको लेना है एलोवेरा। आप ये मैंने पतंजलि का एलोवेरा लिया है, आप अगर चाहो तो कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो। तो मुझे लेना है 1 चम्मच एलोवेरा। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। ये देखो मैंने लिया एलोवेरा, अभी मैं ले रही हूँ हल्दी, चुटकी भर हल्दी है ये। ये आपको आपके किचन में मिल ही जाएगी। और आपको लेना है शहद, तो हाफ स्पून आपको शहद लेना है। ये थोड़ा कम है, ये देखो इतना इतना आपको शहद लेना है, इसमें मिक्स कर लेना है। और इस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। ये देखो ऐसा हो गया। अभी इसको अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले मुझे फेस को क्लीन करना है तो मैं कच्चे दूध से करूँगी। ये मैंने कच्चा दूध लिया है, ये बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। वैसे पका हुआ इतना फेस के लिए फ़ायदा नहीं करता, लेकिन कच्चा दूध होता है ना वो बहुत अच्छा फेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो पूरा साफ कर लूँगी। वैसे मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, पर थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती ना तो इस वजह से मैं पूरे फेस को साफ कर लूँगी। ये देखो इतना हुआ थोड़ा थोड़ा सा, तो इसको साफ कर लिया। अभी इसको अप्लाई करना है। आप चाहो तो कॉटन से अप्लाई कर लो और नहीं तो हाथों से कर लो, ये फिंगर होती है 19 से, तो मैं इसी के ऊपर करूँगी, इसको वॉश नहीं करूँगी। तो आपको ऐसे करना, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है पर आपको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट इन से, ये हाथों की जो होती ना फिंगर वाली, तो आपको ऐसे इसको लगा लेना है। और इसको आप सुबह या शाम में शाम में कर लो, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सुबह हम बाहर जाते हैं धूप में निकलते हैं तो इस वजह से, या आप घर में रहते हैं तो आप कोई सी टाइम कर सकते। तो इसको ऐसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है चेहरे पे। गर्दन पे भी लगा लेना। इनमें से अगर कोई चीज़ें आपको सूट ना करती हो तो आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपके फेस पे सूट करता है तो ही आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। ये मैं हर वीडियो में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। अभी इसको सूखने तक ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखो ये देखो मैं फेस वॉश कराई गुनगुने बाटर से। हल्का गुनगुना बाटर आपको लेना है और उसी से आपको पूरा फेस धुल लेना है। और देखो एक ही बार में कितना फेस पे ग्लो लग रहा है। अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार करोगे और लगातार करते रहोगे तो कितना भी आपका फेस काला पड़ गया होगा, कितने भी पिंपल के दाग हो स्पॉट पड़ जाते वो हो गए होंगे, तो आपको सब चीज़ों से बहुत ही जल्द देखना इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। पर इसको धूप में लगा के आपको निकलना नहीं है क्योंकि इसमें हल्दी होती है, तो हल्दी से फेस काला पड़ जाता है अगर धूप में निकलोगे तो। देखो एक ही बार में बहुत ज़्यादा
ऐसा फर्क लग रहा है, बहुत ज्यादा क्लीन क्लीन लग रहा फेस। लेकिन आप लोग लगातार करोगे ना तो कितना भी आपके दाग धब्बे हैं और स्किन पे बिल्कुल भी निखार नहीं है, तो सब चीजों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके खुद ही बताओ कि हाँ दी, सच में ये बहुत काम करता है। तो प्लीज आप लोग यूज करना और मुझे बताना कि आप लोगों को क्या क्या ऐसे फायदे मिले हैं। सो थैंक यू एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, बाय।